हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए वेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आई हूँ। यह सेट बी का अभ्यास 9 है। इसी तरह के 16 से 17 सेट हैं। सभी सेटों में 10 से 12 अभ्यास हैं। 5 से 6, 7 हज़ार के लगभग क्वेश्चंस हैं। डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ और डेली बेसिस पर आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए, अपना स्कोर चेक कीजिए, जितना भी आपने भी थ्योरी सेशन और सभी चीज़ें पढ़ा है। एंड दोस्तों, आप थ्योरी सेशन एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन, सभी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन के सभी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, चाहे अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए टॉपिक वाइज वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक चीज़ को। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप रेडी हो जाइए। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि कॉफ बोन किसे कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, कॉफ मसल जो है गैस्ट्रोनेमियस मसल्स को बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको कॉफ मसल्स नहीं पूछा है, कॉफ बोन बोला है। तो कॉफ बोन आपका फिबुला हड्डी को बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एचसी बक भारतीय दल को अपने नेतृत्व में पहली बार किस ओलंपिक में प्रतिभाग कराने ले गए थे। तो ये कब ले गए थे दोस्तों, या 1924 पेरिस फ्रांस में ले गए थे। जैसा कि आपको पता है, भारत आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में भाग लिया था 1928 एमस्टरडम हॉलैंड ओलंपिक में, और पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था जयपाल सिंह की कप्तानी में। नेक्स्ट है, किस महापुरुष को भारत का पायोनियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है। तो वो है एच सी बक। दोस्तों, एच सी बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने भारत में YMCA की स्थापना 1920 में चेन्नई मद्रास में किया। नेक्स्ट है, किस महापुरुष को एशियाई खेलों का पितामह कहा जाता है दोस्तों। तो वो है प्रोफेसर जीडी सोंधी को एशियाई खेलों का पितामह कहा जाता है। जिस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह यानी शुरू करने का श्रेय दिया जाता है बैरन पियर डी कुबर्टिन को, उसी प्रकार एशियाई खेलों को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है प्रोफेसर जीडी सोंधी को। प्रथम एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में भारत में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। तो वो है सिलारू में। नेक्स्ट है, केरल में सबसे अधिक कौन सा खेल प्रचलित है। तो दोस्तों, केरल में वॉलीबॉल खेल सबसे ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है दोस्तों, हेपेटिक धमनी का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो यह यकृत की धमनी है यानी लीवर की धमनी है, जिससे हेपेटिक धमनी के द्वारा छोटी आंत और लीवर दोनों जुड़े रहते हैं, जिसमें से छोटी आंत से जो पोषक तत्व होते हैं छोटी आंत के बिलाई से अवजर्व होकर के अवशोषण होकर के हेपेटिक धमनी के द्वारा जाते हैं यकृत में, और यहीं से समस्त शरीर में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में प्रथम स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को पूर्ण सोने के मेडल दिए गए थे। तो वह था आपका 1912 स्टॉकहोम स्वीडन ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में सबसे अधिक कौन सा विटामिन मिलता है दोस्तों। तो गाजर में सबसे अधिक मिलता है विटामिन ए। नेक्स्ट है, कुश्ती के खिलाड़ी को निम्न में से क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, कुश्ती के खिलाड़ी को गैपलर्स या पैल बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एंड दोस्तों, और आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी को केजर्स, टेबल टेनिस के खिलाड़ी को पैडलर्स, बैडमिंटन के खिलाड़ी को शटलर्स एंड टेनिस के खिलाड़ी को भी शटलर्स बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से फीला यानी शतरंज में फीला किसे कहा जाता है। दोस्तों, फीला तो आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व में शतरंज खेलों को आयोजित कराती है। यहाँ पे आपका आंसर हाथी दिया है, मतलब हाथी को रुख बोला जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हाथी नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऊंट दिया है। क्या दिया है? ऊंट। ऊंट को बिशप बोला जाता है। इसका आंसर मुझे
करेक्ट पता नहीं है, आप इसका खोज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर फीला शतरंज में किसे बोला जाता है, तो ऊंट को दिया गया है आंसर। नेक्स्ट है, फुटबॉल विश्व कप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत किस पद्धति से खेला जाता है? तो दोस्तों जो फुटबॉल विश्व कप है वह इसमें 32 टीमें भाग लेती हैं, 32 टीमें विश्व कप के लिए क्वालिफाई करती हैं, जो लीग कम नॉकआउट के आधार पर होता है, लीग कम नॉकआउट के आधार पर होता है। आपको ध्यान में रखना है कि जो लीग कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है, जहां टीमों की संख्या अधिक होती है या वहां पे ये कराई जाती है, यहाँ पहले छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है, फिर प्रत्येक समूह में उपस्थित टीमों के मध्य पहले नॉकआउट या पहले लीग या इन दोनों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये चार प्रकार का होता है, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग नॉकआउट कम लीग आउट, फिर लीग आउट कम लीग आउट, फिर लीग आउट कम नॉकआउट। तो लीग कम नॉकआउट का प्रयोग किया जाता है फुटबॉल विश्व कप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत, लीग कम नॉकआउट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सुदृढ़मन कप का संबंध किस खेल से है? तो सुदृढ़मन कप का संबंध है दोस्तों बैडमिंटन से। कप और ट्रॉफी से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर होता है, आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। कप और ट्रॉफी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका सुदृढ़मन कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन में आपको ध्यान में रखना है थॉमस कप और उबेर कप, बार बार पूछा जाता है। थॉमस कप पुरुषों के लिए है जो 1948 से प्रारंभ हुआ, उबेर कप महिलाओं के लिए है बैडमिंटन से जो 1957 से प्रारंभ हुआ। इसके अलावा और बैडमिंटन में आपका है रहमतुल्ला कप, नारंग कप, चड्ढा कप, सफी कुरैशी कप, यूनेक्स कप, अमृत दीवान कप, अग्रवाल कप, सुदृढ़मन कप, कोनिका कप, मेयर्स कप, चैलेंजर कप, चाइना कप आदि। नेक्स्ट है, बाएं हाथ के गेंदबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज को ऑफ स्पिन का एक्शन कर लेग स्पिन गेंद डाले तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाएगा चाइना मैन। वही है, बाएं हाथ के गेंदबाज ऐसा करता दाएं हाथ के तो वो गुगली हो जाता। नेक्स्ट है, आज भारत में राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम को नियंत्रित कौन करता है? तो दोस्तों आज भारत में जितने भी राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम है सबका नियंत्रण करता है भारतीय खेल प्राधिकरण। कौन करता है? भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 में हुआ था। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के शरीर का आसन यानी पोस्चर निम्न में से किससे सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये सबसे अधिक प्रभावित होता है गति संबंधित आदतों से। जिस प्रकार आप अपना गति पोस्चर बैठने उठने चलने का ढंग बनाएंगे उस प्रकार आपका पोस्चर बन जाता है। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास में सबसे मुख्य बाधा कौन सी आती है? तो दोस्तों बच्चे की वृद्धि विकास के लिए पोषण संतुलित आहार प्रोटीन सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है, तो यहाँ कुपोषण सबसे बड़ी बाधा बन जाती है बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, 1896 के प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेले में आधुनिक ओलंपिक में कितने खेल शामिल किए गए थे? तो 11 खेल शामिल किए गए थे। अब आपका वर्तमान में जो है ओलंपिक में कुल 36 खेल शामिल हैं, इस पर एक वीडियो मैं बना दूंगी कि कौन कौन से गेम शामिल हैं वर्तमान में ओलंपिक में। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक का झंडा फहराया गया तथा पहली बार शपथ लिया गया? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार झंडा और शपथ दोनों आपका उपयोग किया गया 1920 ओलंपिक बेल्जियम में। और ओलंपिक झंडे को बनाया किसने था? 1913 में बरेन फ्रेडरिक कुबर्टिन ने। फहराया कब गया? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। तो झंडा भी फहराया गया 1920 में और पहली बार शपथ भी लिया गया। नेक्स्ट है, स्पार्टा के लोगों को किस क्षेत्र में विशिष्ट समझा जाता था? दोस्तों तो स्पार्टा के लोग सैनिक कौशल में बहुत ही विशिष्ट हुआ करते थे, और यहाँ पे जो भी कमजोर बच्चा पैदा होता था वो टाइगर्स पर्वत से उसको फेंकवा दिया जाता था। नेक्स्ट है, यूनान की सभ्यता में कौन सा मनोरंजन कार्य प्रचलित था जिसका प्रयोग वहाँ के लोग प्राचीन काल में किया करते थे? तो दोस्तों यहाँ पे नृत्य सबसे ज्यादा प्रचलित था। नेक्स्ट है, स्कूलों में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए अर्हता कौन निर्धारित करता है?
तो दोस्तों सभी के शिक्षकों की जो अर्हता होता है वो निर्धारित करता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा कमीशन यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE, ठीक है, जिसकी स्थापना 1995 में हुआ है। नेक्स्ट है, स्पार्टा के लोगों का कौन सा चरित्र योग्य नहीं था? तो दोस्तों वहां पे उन लोगों का चीखरा चिल्लाना जो है वो योग्य नहीं था। नेक्स्ट दोस्तों, किस देवता के समक्ष निमियन खेल आयोजित किए जाते थे? तो दोस्तों पूर्व एथेंस काल में पैन हेलनिक खेल होता था, जिसमें ओलंपिक, पिथियन, इस्थमियन, निमियन खेल होता था। जो ओलंपिक खेल जीएस देवता के सम्मान में होता था, पिथियन खेल अपोलो यानी सूर्य देवता के सम्मान में, और इस्थमियन खेल समुद्र देवता यानी पोसिडियन के सम्मान में, और निमियन खेल जीएस देवता के यानी निमियन और ओलंपिक दोनों जीएस देवता के सम्मान में होता था। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा ख, जीएस देवता के सम्मान में। नेक्स्ट है, एक शिशु या बच्चे में शारीरिक विकृति का मुख्य कारण क्या होता है? तो वह होता है कुपोषण। नेक्स्ट है दोस्तों, अग्रकुब्जता यानी लार्डोसिस निम्न से किससे संबंधित है? तो दोस्तों लार्डोसिस होता क्या है? लार्डोसिस जो होता है वह कमर में करो बन जाता है, कमर में गड्ढा बन जाता है लार्डोसिस में। यानी कि लार्डोसिस क्या है? लार्डोसिस को हालो बैक, स्वे बैक, बैक पोस्टर डिफेक्ट, सडल बैक भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि लंबर रीजन यानी कमर वाले भाग में जो आगे की तरफ अत्यधिक वक्र बन जाता है, इसीलिए इसको अग्रकुब्जता या लार्डोसिस बोला जाता है। तो इसमें निचला जो कमर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गर्दन तथा निचला कमर। नेक्स्ट है, अग्रकुब्जता लार्डोसिस अधिकृत किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन है सभी, यहाँ सही हो जाएगा, सभी उम्र के लोगों में पाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर लार्डोसिस लंबर भाग पर होता है कटी कसर का, तो मैं मरीज कैसा देखने में लगता है? तो वह तो लार्डोसिस को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे यह स्वे बैग जैसा लगता है, ठीक है, स्वे बैग। तो लार्डोसिस को और किस नाम से जाना जाता है? लार्डोसिस, हालो बैग, स्वे बैग, बैक पोस्टर डिफेक्ट, सेडल बैग आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे स्वे बैग आपका राइट हो जाएगा, स्वे बैग आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये अग्रकुब्जता लार्डोसिस, एक होता है काइफोसिस जिसे कुबड़ बोला जाता है। काइफोसिस जो होता है वो राउंड, उसको राउंड बैक, हंच बैक आदि नामों से जाना जाता है। उसमें क्या होता है, हमारा पीठ जो है पीछे की तरफ बाहर की ओर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता यानी लेटर डिविएशन, इसे स्कोलियोसिस कहते हैं, नामक विकृति सबसे अधिक निम्न में से किस खेल में देखने को मिलता है? तो दोस्तों यह जिम्नास्टिक और तैराकी वाले खेलों में सबसे ज्यादा मिलता है, और इसका आप सही आंसर ढूंढिएगा। यहाँ पे जिम्नास्टिक या तैराकी होगा, स्कोलियोसिस जो है सबसे ज्यादा इसी में होता है। यहाँ पे आंसर तीरंदाजी और निशानेबाजी दिया है, बट यहाँ पे आपका ज्यादा उपयुक्त आंसर ख होगा। नेक्स्ट है, साइनोथ्रोसिस प्रकार के जोड़ निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों साइनोथ्रोसिस प्रकार के जो जोड़ हैं वह सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वह पाया जाता है आपका खोपड़ी में, जिसे सूचर जॉइंट भी कहते हैं। यह अचल संधि के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपको ये एक ट्रिक है, DAS यानी डी से हो गया आपका डायर्थ्रोसिस, जो चल संधि को बोला जाता है। ए से हो गया एम्फियार्थ्रोसिस, इसको अर्धचल संधि को बोला जाता है। एस से हो गया साइनोथ्रोसिस, इसको बोला जाता है अचल संधि को। नेक्स्ट है, गोम्फोसिस या दांतों का जो तथा सिंडमोसिस चल संधि के पास अचल संधि यानी इंटीरियर जो है, जो आपका एड़ी टखने का जो जोड़ होता है वहां पे जो होता है वो भी अचल संधि में आता है। तो नामक जोड़ क्या कहलाते हैं? तो दांतों का जोड़ और सिंडमोसिस, ये दोनों कहलाता है अचल संधि। क्या कहलाता है? अचल संधि।
नेक्स्ट दोस्तों, एकलिस टेंडन किस मांसपेशी के सिरे पर स्थित होता है? तो दोस्तों यह जो हमारा हेमस्ट्रिंग मसल जाता है उसका अंतिम छोर जाता है जाकर के एड़ी की तरफ मिलता है, वहां पे एकलिस टेंडन मिलता है, यहाँ पे हेमस्ट्रिंग आपका राइट। क्वेश्चन है, ताकत सभी गतियों का आधार होता है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सहायक होगा? तो ताकत यानी बल की जहां भी बात आए वहां मांसपेशी आपका सहायक होगा, शरीर में मांसपेशियां जो है ताकत लगाने के काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से मोटापे की समस्या सबसे अधिक कहां है? तो दोस्तों अमेरिका में सबसे ज्यादा मोटापे की समस्या है। नेक्स्ट दोस्तों, बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कितने से अधिक होने पर मोटापा यानी ओबेसिटी कहलाता है? दोस्तों 30 से अधिक होने पर आपका मोटापा यानी खतरे की स्थिति में आप आ जाते हैं, उसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत होती है। 22.9 यानी कि 22 आपका सबसे बेस्ट बीएमआई होता है जो आपका ऑल गुड होता है, ठीक है। और उससे अधिक होने पर आपका एंजाइटी, सर्कुलेशन प्रॉब्लम एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, सभी प्रकार की आपको परेशानियां होने लगती हैं। और 18 से कम है तो आप अंडरवेट यानी कि दुबले पतले में आ जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, किस ओलंपिक में पहली बार भारत का तिरंगा लहराया गया? तो 1948 लंदन ओलंपिक में। नेक्स्ट है, पहली बार और आज तक के ओलंपिक में अंतिम बार भारतीय बास्केटबॉल टीम ने किस ओलंपिक में प्रतिभाग किया? तो वो है दोस्तों 1980 मास्को ओलंपिक। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी के नाम से जर्मनी में सड़क बनाई गई है? दोस्तों तो वह ध्यानचंद के भाई रूप सिंह के नाम पर जर्मनी में सड़क बनाई गई है। जैसे ध्यानचंद महान खिलाड़ी थे उसी तरह उनके भाई रूप सिंह भी महान खिलाड़ी थे एंड उदय सिंह भी इनके भाई हैं, वो भी हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी के नाम से 2012 के लंदन ओलंपिक में ट्यूब स्टेशन लंदन में नहीं बनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा केडी सिंह बाबू के नाम से नहीं बनाया गया है, और किसके नाम से बनाया गया है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2012 लंदन ओलंपिक में ट्यूब स्टेशन लंदन में बनाया गया है किसके नाम से? मेजर ध्यानचंद, लेजली क्लाडियस, रूप सिंह, तीनों हॉकी के खिलाड़ी हैं, इन तीनों हॉकी खिलाड़ी के नाम से बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने सबसे अधिक बार भारतीय हॉकी टीम के सदस्य के रूप में ओलंपिक में प्रतिभाग किया है? तो वो है दोस्तों आपके लेजली क्लाडियस, जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने सबसे अधिक बार भारतीय हॉकी टीम में सदस्य के रूप में प्रतिभाग करने वाले हैं, लेजली क्लाडियस। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने पहली बार किस ओलंपिक में प्रतिभाग किया? तो 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय फुटबॉल किस ओलंपिक में प्रथम चार चौथे स्थान पर आया? तो भारतीय फुटबॉल किस ओलंपिक में प्रथम चौथे स्थान पर आया? तो 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में, 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में। जैसे कि दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि भारतीय फुटबॉल, भारत ने प्रथम बार फुटबॉल में ओलंपिक में भाग लिया था 1948 लंदन इंग्लैंड ओलंपिक में, जिसमें भारत फुटबॉल टीम के कप्तान थे टीम टॉम बेंगल एंड इसमें भारत ने कोई स्थान नहीं प्राप्त किया था। और दूसरी बार भाग लिया था 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में, जिसके कप्तान थे शैलेश मुन्ना और भारतीय टीम यूगोस्लाविया से हार गई थी। तीसरी बार भाग लिया था 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में और यह इसमें भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया, इसी में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर। और चौथी बार भाग लिया था 1960 रोम ओलंपिक में, जिसके कप्तान थे पीके बनर्जी और भारत क्वार्टर फाइनल के क्वालिफाई नहीं कर पाया। और इस ओलंपिक के बाद भारतीय फुटबॉल आज तक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और किसमें चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो 1956 मेलबोर्न में प्रथम बार भाग लिया था भारत ने, 1948 लंदन ओलंपिक में, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी तक किस महाद्वीप में ओलंपिक आयोजित नहीं हुआ है? दोस्तों तो यहाँ पे एशिया में भी आयोजित हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप तीनों में, बट अभी तक अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी ओलंपिक आयोजित नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, एशिया को IOC द्वारा पहली बार कब ओलंपिक के लिए आवंटित किया गया था? तो वो है 1940 में।
नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत के सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको दूसरे नाम से जाना जाता है स्वयं सीखने का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग, और इसको अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है, एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी SR का थ्योरी भी बोला जाता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह के भाई का नाम बताइए, जो हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो वो हैं दोस्तों अमर सिंह, ये मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह के भाई हैं। नेक्स्ट है जब भारत ने ओलंपिक की धरती पर लॉस एंजल्स 1932 में अमेरिका की ओलंपिक हॉकी टीम 24-1 के विशाल स्कोर से पराजित किया था, उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे लाल शाह बुखारी। 1932 में लॉस एंजल्स में कौन थे भारतीय टीम के कप्तान? हॉकी के लाल शाह बुखारी। नेक्स्ट दोस्तों 1900 पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचार्ड ने किसके झंडे तले प्रतिभाग किया था? तो नॉर्मन प्रिचार्ड जो है एक एंग्लो इंडियन थे, यानी ब्रिटिश इंडिया के झंडे तले प्रतिभाग किया था। एंग्लो इंडियन का मतलब है कि जो अंग्रेज यहाँ भारत में बस गए हैं और यहीं पे अपना व्यापार वगैरह करते हैं, वो आपका एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार प्रतिभाग कब किया? तो 1900 पेरिस फ्रांस में ही किया था, और आधिकारिक तौर पर कब किया था? तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कालक्रमिक के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में कौन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकरात प्लेटो अरस्तु। सबसे पहले सुकरात हुए थे, ये तीनों के तीनों यूनान हैं, ग्रीस के हैं। सबसे पहले सुकरात हुए थे, और सुकरात के शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। ये तीनों महान हैं, और तीनों का नाम बहुत ही ऊंचे दर्जे से लिया जाता है। तीनों के सिद्धांत आज तक जीवित हैं, और तीनों को बहुत अधिक पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है अगर पैर के पंजे को बाहर की तरफ मोड़ा जाए तो यह किस प्रकार की गति कहलाएगी? दोस्तों जब पैर के पंजे को अंदर की तरफ मोड़ा जाता है उसको बोला जाता है इनवर्सन, जब बाहर की तरफ मोड़ा जाता है तो उसको कहा जाता है एवर्सन, या यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका 50 MCQ क्वेश्चन, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं सभी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।